अस्सलामुअलैकुम आरएनएन न्यूज के साथ मैं हूं सानिया शरीफ। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। रावलपिंडी के चकलाला गैरिजन में रावलपिंडी कोर की तकरीब तकसीम एजाजात का इनाकाद। रावलपिंडी के चकलाला गैरिजन में रावलपिंडी कोर की तकरीब तकसीम एजाजात का इनाकाद किया गया। ISPR के मुताबिक शानदार खिदमात पर फौजी अफसरानों जवानों को 99 तमगा इम्तियाज मिलिट्री, 36 सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 19 तमगा बसालत अता किए गए। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिद शमशाद मिर्जा तकरीब के मेहमान खसूसी थे। शोहदा के लवाहिकीन ने बाद अज मर्द इनके एहसास वसूल किए। तकरीब में आला फौजी अफसरान अवार्ड्स हासिल करने वालों के अहल खाना की बड़ी तादाद की शिरकत हुई। खानपुर ब्यूरो चीफ RNN न्यूज़ फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक सुबह सवेरे खानपुर की पठान मार्केट लंडा बाजार में आग भड़क उठी। शदीद धुएं ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। लंडा बाजार में कपड़े, जूते, बैग्स और दीगर जरूरियात जिंदगी की हर चीज मौजूद है और करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है इस मार्केट में। इस जगह दो दफा पहले भी 2 साल कबल इस तरह आग का वाकया हुआ मगर कोई एहतियाती तदाबीर नहीं की गई, जिस वजह से फिर लाखों का नुकसान हुआ। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड भी वक्त पर ना पहुँच पाई जिससे आग फैलती गई। धुआं देखते ही पूरा शहर इमदाद के लिए लंडा बाजार पहुँच गया। आखिरी इतला तक आग पर काबू पा लिया गया, ताहम आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। मुईद अहमद तहसील रिपोर्टर चीचा वतनी फ्रंटियर कॉलेज चीचा वतनी के प्रोफेसर काशिफ हनीफ के साथ डकैती। तफसील के मुताबिक इनको कॉलेज के सामने से 4 मुसल्ले अफराद जबरदस्ती कार में बिठाकर मुल्तान रोड पर ले गए। जब कसुवाल बाईपास पर पहुंचे तो उन्होंने उसके हाथ और मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे नीचे फेंककर फरार हो गए। एक अदद मोबाइल और नकदी साथ ले गए। मुतासरा शख्स अभी थाना कसुवाल में मौजूद है। वर्कशॉप रिपोर्ट अफाक अहमद अराई के मुताबिक MNA नवीद डेरो ने कुछ दिन पहले अपने हल्के वर्कशॉप में अपने ओहदेदारों से मिलकर वर्कशॉप दड़े का विजिट किया। उसके बाद नवीद डेरो की निगरानी में एक अहम इजलास हुआ जिसमें दड़े की आवाम ने अपने अपने मुतालबात नवीद डेरो के आगे पेश किए। सब ने एक मुतालबा किया कि हमारे दड़े को जाने वाला रोड बना कर दिया जाए, हमें आने जाने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस मुतालबे को नवीद डेरो ने पूरा करने की हामी भरी और 1.5 किलोमीटर रास्ते की जिम्मेदारी ली और आज वर्कशॉप पीपल्स पार्टी के सदर अशफाक हुसैन मुगल की निगरानी में काम शुरू हो गया जिसका काम तेजी से जारी है। सेवन शरीफ लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने वजीर आला सिंह सैयद मुराद अली शाह और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा के अहकाम को भी हवा में उड़ा दिया। जहां चीफ मिनिस्टर के हुक्म को भी कोई अहमियत ना मिल पाई वहां आवाम की बेबसी का क्या हाल होगा, ये एक सवालिया निशान है। सेवन शरीफ कुछ दिन कबल वजीर आला सिंह सैयद मुराद अली शाह के अहकाम पर डिप्टी कमिश्नर जाम शोरों की जानिब से लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मसाइल को सुनने और उन मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए एक खुली कचहरी का अहतमाम किया गया था जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने अवामी मसाइल सुनने के बाद जिला जाम शोरों की 4 तहसीलों के मुख्तियारों और ताबेदारों को अवाम को फौरी रिलीफ फराहम करने का हुक्म दिया था मगर बदकिस्मती से वजीर आला सिंध और डिप्टी कमिश्नर के अहकाम को भी हवा में उड़ा दिया गया। अवामी मसाइल तो हल ना हो सके मगर मुख्तियार कार सेवन शरीफ अपने ऑफिस से ही अक्सर गायब रहने लगे। अवाम शदीद परेशानी और गैर यकीनी वाली सूरत हाल का सामना करने पर मजबूर है। अवाम ने रिश्वतखोर और नाअहल रेवेन्यू अमल दरामदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए फिलफोर ओहदों से हटाने का मुतालबा कर दिया। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद कराची हैदराबाद ठट्टा सकर से बयक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार, सिंध भर के तमाम न्यूज पेपर स्टॉल पर दस्तियाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। सांगढ़ क्राइम रिपोर्ट अफाक अहमद अनाई के मुताबिक सांगढ़ नून लीग इकतदार में आते ही अपनी हवास खो बैठी हैं। सहाफियों को जलसों में धमकियां देने लगे। मरियम नवाज साहिबा जो मीडिया पर देखेंगी वही आईना आपको दिखाएंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज शरीफ की धमकियों के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सांगढ़ के सामने सहाफियों के एहतजाज और मुजाहरा। मुल्क में सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। मुल्क में सोने की फीतोला कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फीतोला सोने की कीमत में 350 रुपए इजाफा हुआ और एक तोला सोने का भाव 1,38,700 रुपए है। 10 ग्राम सोने की कीमत 300 रुपए इजाफे से 1,18,913 है जबकि आलमी सराफा मार्केट में सोने की कीमत $13 बढ़कर $1,843 फी औंस है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी सेट किए जाने वाले अलीम खान का रद्द अमल सामने आ गया।
पंजाब असम्बली के रीसेट होने वाले रुकन अब्दुल अलीम खान का कहना है कि अल्लाह का शुक्र है आज वो वाहिद एहसान भी उनके सर से उतर गया जो सूबाई असम्बली की सीट की सूरत में उन पर आ गया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई के 25 अरकान पंजाब असम्बली को रीसेट करार दिए जाने के बाद अपने रद्द अमल में अब्दुल अलीम खान ने कहा कि इमरान खान और पार्टी पर 10 साल के एहसानात का मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं, अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। इलेक्शन कमीशन के 23 सफात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के अराकीन वजीर आला के इंतखाब में मुखालिफ जमात के उम्मीदवार को वोट देकर मनहरफ हुए। इलेक्शन कमीशन मनहरफ अरकान के खिलाफ डिक्लेरेशन मंजूर करता है। डीसेट होने वालों में 5 अरकान का ताल्लुक अलीम खान ग्रुप, 4 का असद खोकर ग्रुप और 16 अरकान का ताल्लुक जहांगीर तरीन ग्रुप से है। शेर से पंजाब छीनने का ख्वाब चकनाचूर होगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने पीटीआई मनहरफ अरकान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द अमल का इजहार किया है। ट्विटर पर जारी बयान में मरियम नवाज ने कहा कि पीटीआई कुछ भी कर ले, शेर से पंजाब छीनने का ख्वाब चकनाचूर होगा। उन्होंने कहा कि सूबे को फरागोगी की लूटमार और तबाही के हवाले कर देने पर शदीद गुस्सा है, पंजाब वाले अगले इंतखाबात में हिसाब चुकता कर देंगे। मरियम नवाज का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को गालियां देने वाले इमरान खान को थोड़ी शर्म तो आई होगी, मगर कहां। मुल्क में डॉलर मजीद महंगा हो गया। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार है, जहां $1.14 के इजाफे के बाद ₹200.14 पर बंद हुआ। रवां कारोबारी हफ्ते में अमरीकी डॉलर ₹7.61 महंगा हो चुका है। नई हुकूमत आने के बाद से अमरीकी डॉलर ₹17.21 महंगा हो चुका है, जबकि रवां माली साल डॉलर की कीमत में ₹42.59 का इजाफा हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत ₹201 बरकरार है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आरएनएन न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।